दोस्तों हर्षित राणा जो कि टीम केकेआर के फास्ट बॉलर रहे हैं और आईपीएल 2024 के अंदर बहुत अच्छे अग्रेशन के साथ बॉलिंग की है, हालांकि थोड़ा बहुत अग्रेशन इनको ज़रूर भारी पड़ा है, बट दोस्तों फास्ट बॉलर में अगर अग्रेशन नहीं होगा तो क्या अग्रेशन एम्पायर्स में होगा। बात करें दोस्तों मेगा ऑक्शन की, तो रिसेंटली जो भरत अरुण कोच है ना, उन्होंने एक बहुत बड़ी कन्फर्मेशन दे दी है। उन्होंने बताया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी कीमत के ऊपर हमें एक रिटेंशन करनी पड़े, वो एक रिटेंशन हम हर्षित राणा को करने वाले हैं। और इसके साथ ही सहमत है यहां पर दोस्तों गौतम गंभीर भी। अब गौतम गंभीर केकेआर मैनेजमेंट में रहते हैं या नहीं रहते हैं ये सेकेंडरी बात है, क्योंकि वो टीम इंडिया के लिए अभी सबसे टॉप पर चल रहे हैं एस कोच। बट उसके अलावा भी अगर बात करें तो हर्षित राणा का कॉन्ट्रीब्यूशन इस साल बहुत अच्छा रहा है, और आने वाले जो टीम इंडिया के मुकाबले होंगे ना, जो कि छोटे देशों से होंगे, जैसे कि नीदरलैंड, आयरलैंड, आगे जो सीरीज होगी वहां पर आपको हर्षित राणा टीम के अंदर जाते हुए देखने को मिलेंगे। और यही नहीं दोस्तों, उन ऐसी जो छोटी सीरीज होती है ना जहां पर सीनियर प्लेयर्स रेस्ट करते हैं, वहां पर आपको श्रेयस अय्यर एस कैप्टन नजर आएंगे। पर अभी की सबसे बड़ी अपडेट यही है, हर्षित राणा एक कंफर्मेशन हो चुकी है। अब आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले कितनी रिटेंशन होती है यह भी कंफर्मेशन नहीं है। 4 रिटेंशन होती है, 8 रिटेंशन होती है, रिटेंशन घट जाती है, बट उसमें से दोस्तों एक नाम आ चुका है हर्षित राणा का। बचे हुए 3 अभी के रूल्स के हिसाब से कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं आप नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। और क्या यहाँ पर भरत अरुण का ये कॉन्फिडेंस जो हर्षित राणा के ऊपर वो दिखा रहे हैं कि हर्षित राणा को हम हर कीमत के ऊपर रिटेन करेंगे, क्या आपको लगता है ये सही है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये भी आप जरूर कमेंट करें कि यहां पर दोस्तों आईपीएल 2025 में हर्षित राणा कितने विकेट लेंगे।